नमस्कार दोस्तों पाथवा इंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरपोल की नाइनटी जनरल असेंबली मीटिंग के बारे में इंटरपोल एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे पहले न्यूज़ देख लेते हैं सो इंडिया इज़ होस्टिंग द नाइन्त्थ इंटरपोल जनरल असेंबली इन न्यू डेली क्या है न्यूज़ इंडिया टू इंडिया इज होस्टिंग एक्चुअली एटीन से शुरू हो चुकी है ये असेंबली जो भी कुछ हमें आज जानना है ग्लोबल पुलिस बॉडी इंटरपोल के बारे में उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे जैसे कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई क्या इसके फंक्शनिंग है किन किन चीज़ों के संदर्भ में ये काम करती है वॉट आर द एरियाज दैट इंटरपोल वर्कस इन इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पहले न्यूज़ देख लेते हैं सो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोल ये विश्व की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वाटर लियोन फ्रांस में है अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इट हैज़ 195 नाइन्टी फाइव मेंबर कंट्रीज मेंबर कंट्रीज जो इसकी पार्टी हैं ठीक है इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नाइनटियथ इंटरपोल जनरल असेंबली ऑन ट्यूजडे इन न्यू डेली मतलब ये ऑलरेडी कर चुके हैं ट्यूजडे को कल ठीक है चलिए सो द नाइनटीएथ जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल विल टेक प्लेस बिटवीन एटींथ टू ट्वेंटी वन अट्ठारह से इक्कीस के बीच में ये असेंबली होगी भारत के प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंटरपोल मीटिंग इन डेली विल बी अटेंडेड बाय अ डेलीगेशन ऑफ 195 मेंबर्स जो भी एक सौ पचानवे मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की उनके सभी के डेलीगेशन इस असेंबली को अटेंड करने वाले हैं जिसमें मिनिस्टर्स होंगे पुलिस चीफ्स होंगे अलग अलग देशों के और हेड ऑफ नेशनल क्राइम ब्यूरोज भी होंगे अलॉन्ग विध सीनियर पुलिस ऑफिसर्स तो ये सभी लोग इस असेंबली को अटेंड करने वाले हैं इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जनरल असेंबली जिसकी मीटिंग हो रही है ये साल में एक बार ये मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं इंटरपोल की फंक्शनिंग के संदर्भ में जिसमें सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स आते हैं और डिस्कस करते हैं मीटिंग भारत में पच्चीस साल के गैप के बाद हो रही है नाइनटीन में इससे पहले इंडिया में हुई थी जनरल असेंबली की मीटिंग अब ये पच्चीस साल के बाद इस बार हो रही है चल इसी के बारे में एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के बारे में उसकी फंक्शनिंग उसकी लीडरशिप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पी के लिए अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए स्पेशल क्लासेस और फ्री क्लासेस जो कंडक्ट हो रही हैं सुबह साढ़े दस बजे टेन थर्टी ए ये क्लास होती है या आप अटेंड कर सकते हैं विद माय कोड एंडी लाइफ टेन नाउ इंटरपोल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की चार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं चार प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है विच इंक्लूड्स जनरल असेंबली जिसकी मीटिंग अभी हो रही है देन इज जनरल सेक्रेट्रेट एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज एक एक करके इनको समझते हैं सबसे पहले जनरल असेंबली की बात करें तो ये गवर्निंग बॉडी है इंटरपोल की इसकी जिम्मेदारी है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं चाहे वो पॉलिसी के संबंध में हो फाइनेंस हों वर्किंग मेथड कैसा है काम कैसे किया जाएगा इंटरपोल में रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे संसाधनों की प्राप्ति कैसे होगी या जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स हैं इंटरपोल से संबंधित वो सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं जनरल असेंबली में लिए जाते हैं जनरल असेंबली की मीटिंग साल में एक बार होती है टू टेक की डिसीजंस रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग जो भी इसके काम है जो भी इसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके संदर्भ में एक साल में मीटिंग होती है जब ये डिसीजन लिए जाते हैं ठीक है जो मीटिंग फिलहाल भारत में चल रही है नेक्स्ट हम इज जनरल सेक्रेटेट जनरल सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेट करता है इंटरपोल के दिन प्रतिदिन की जो भी एक्टिविटीज हैं जिसमें अलग अलग तरह के क्राइम्स को फाइट करने के लिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए वो सब ये ध्यान में रखता है देन इज एग्जीक्यूटिव कमिटी द थर्ड ऑर्गन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ये जो है इसमें तेरह मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में जिनको जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है इससे इनको निर्वाचित किया जाता है इनमें एक प्रेसिडेंट होता है तीन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और नौ डेलीगेट्स होते हैं जो अलग अलग रीजनस को कवर करते हैं तो तेरह मेंबर्स में कौन कौन हो गए प्रेसिडेंट तीन वाइस प्रेसिडेंट एंड नाइन रीजनल डेलीगेट्स कह सकते हैं हम अलग अलग रीजन को कवर करने वाले तेरह मेंबर बॉडी है ये एक्जीक्यूटिव कमिटी इंचार्ज होती है सुपरवाइजिंग की जो भी एग्जीक्यूशन है जनरल असेंबली के डिसीजन का भाई जो भी जनरल असेंबली में डिसीजन लिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट भी करना है उसको लागू भी करवाना है उसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की होती है और जो भी प्रशासनिक या जो भी काम है जनरल सेक्रेटरीट के उन सभी काम के एग्जीक्यूशन की जो सुपरविजन है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जाता है ये साल में तीन बार मिलती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ठीक है देन कम्स दी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एन ये हर देश में है जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की 195 सभी देशों में एन एक तरह से एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह प्रोवाइड करती है इंटरपोल जो जनरल सेक्रेट्रेट है इंटरपोल uh, का या फिर जो बाकी एन हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज हैं अलग अलग कंट्रीज के हर कंट्री का एन एक सेंट्रल कॉन्टैक्ट पॉइंट की तरह काम करता है फॉर द इंटरपोल जनरल सेक्रेटेट एंड दी एन ठीक है एन जनरली इसको कौन रन करता है ये रन किया जाता है बाय द नेशनल पुलिस ऑफिशियल्स जिस देश में भी एन है उसके जो पुलिस ऑफिशियल्स होंगे राष्ट्रीय पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वो इसको रन करते हैं वो इसको मतलब सुपरवाइज करते हैं रन करते हैं एंड इट यूजली सिट्स इन दी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिसिंग और ये उस मिनिस्ट्री में बैठते हैं जो पुलिसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट के अंडर आता है पुलिस है ना लेकिन नेशनल की बात करेंगे तो वो सेंटर के अंडर आएगा उसी मिनिस्ट्री में ये लोग काम करते हैं बैठ के लीडरशिप की बात करें इंटरपोल के तो फिलहाल अहमद नासिर अल रईसी ये जो है यू के व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल इंटरपोल के ही वॉज इलेक्टेड एट दी एटी नाइन्थ जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल जो कि तुर्की में हुई थी इस्तानबुल में 2021 में पिछले साल 2021 में नाइन्टी इस बार हो रही है ठीक है वहीं हमारे सी के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा इंटरपोल्स के डेलीगेट हैं एशिया के लिए नौ डेलीगेट्स हैं ना रिमेंबर वर नाइन डेलीगेट्स दे वॉज वन प्रेसिडेंट थ्री वाइस प्रेसिडेंट्स एंड नाइन डेलीगेट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन तो हमारे एशिया रीजन से कौन है डेलीगेट इट इज़ प्रवीण सिन्हा ऑफ सी बी आई जो स्पेशल डायरेक्टर है ठीक है इनका इलेक्शन भी इनको भी कब इलेक्ट किया गया था एटी नाइन्थ जनरल असेंबली में जो टर्की इस्तानबुल में हुई थी दो हजार इक्कीस में इसके अलावा दो वेकेंट पोजिशन है अभी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दो वेकेंट पोजिशन है वाइस प्रेसिडेंट की यूरोप और यूरोप के लिए और द डेलीगेट फॉर अफ्रीका इनको अभी इलेक्ट नहीं किया गया है इनका इलेक्शन इस बार नाइनटी जनरल असेंबली में होगा जो कि भारत में न्यू दिल्ली में चल रही है बिटवीन 18 टू तो ट्वेंटी ठीक है टोटल मेंबरशिप मैंने आपको बताया था तेरह लोग होंगे और राइट right. तो अभी ये दो पोजिशन खाली है जिनका इलेक्शन इस बार होगा जनरल असेंबली की मीटिंग में जो भारत में चल रही है फंक्शन क्या है इंटरपोल के जैसे ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हमें मोस्ट ऑफ अस वी ऑल नो अबाउट इट आपने पिक्चरों में भी देखा होगा इसके बारे में इंटरपोल और सुना भी होगा ना इंटरनेशनल पुलिस है ना तो इंटरपोल क्या करता है इट एनेबल द क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बिटवीन पुलिस फोर्सेस ऑफ 195 मेंबर कंट्रीज मतलब अगर कोई हमारे यहां का क्रिमिनल किसी और देश में जाकर छुप रहा है तो इंटरपोल की मदद से हम उसको पकड़ सकते हैं क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन में मदद करता है कोऑपरेशन में मदद करता है इंटरपोल एक तरह से एक बॉडी हो गई इट एनेबल देम टू शेयर एंड एक्सेस द डेटा ऑन क्राइम्स डेटा जो जो भी क्राइम पे डेटा है क्रॉस बॉर्डर क्राइम पर डेटा है उसको शेयर करना उसको एक्सेस देना क्राइम्स पर क्रिमिनल्स पर साथ साथ ऑफर करता है टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट भी ठीक है अगर भारत की पुलिस बाहर जा रही है सीबीआई बाहर जा रही है हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है किसी कंट्री में तो इंटरपोल सपोर्ट करता है असिस्ट करता है ठीक है इट ऑफर्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट सच एज एस एनालिसिस असिस्टेंस इन लोकेटिंग फ्यूजिटिव अराउंड वर्ल्ड हर जगह इनको पकड़ने में उसमें फॉरेंसिक की मदद हो एनालिसिस करवाना हो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो इसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरपोल इंटरपोल फैसिलिटेट करता है पुलिस के काम को टू वर्क डायरेक्टली विद द काउंटर पार्ट्स उनके जो भी काउंटर पार्ट्स सा हैं उनके साथ काम करके उसको और तेजी से काम को बढ़ाता है इवन बिटवीन कंट्रीज विच डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन उन देशों में भी जिसमें आपसी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है उनके बीच में भी अगर किस तरह की कोई सिचुएशन है तो इंटरपोल वहाँ पर भी फैसिलिटेट कराता है पुलिस और जो भी एजेंसीज है उनके साथ काम करने में इंटरपोल सपोर्ट्स कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग थ्री मेजर ग्लोबल इश्यूज तीन मेजर ग्लोबल इश्यूज को कॉम्बैट करने में मदद करता है अलग अलग कंट्रीज को ये द थ्री मेजर ग्लोबल इश्यूज आर टेररिज्म आतंकवाद साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन तीनों कैटेगरीज के जो क्राइम हैं ग्लोबल इश्यूज जो हैं इसको एक तरह से कॉम्बैट करने में भी इंटरपोल मदद करता है सभी राष्ट्रों को सभी मेंबर कंट्रीज को सो दिस वॉज अबाउट इंटरपोल फिलहाल इसमें क्या डिसीजन लिए जाएंगे जनरल असेंबली में और क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आगे आने वाले सेशन में कवर करेंगे आई होप आपको सेशन पसंद आया हो अभी अगर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है एनडी लाइफ टेंट इस कोड का इस्तेमाल करके यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद माई पर्सनल मेन्टोरशिप गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कोड डिस्काउंट स्पेशल सरप्राइज चल रहा है जिसमें नौ महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है एनडी लाइफ टेन टू अवेल द डिस्काउंट सी सैट के लिए भी फिलहाल आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है टिल ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर अभी जाइए एनरोल कीजिए द कोड इज एंडी लाइफ टेन बैचेज हमारे कल से शुरू हो रहे हैं ट्वेंटी अक्टूबर से गो एनरोल नाउलिंग बैचेज एंड एन्श्योर कीजिए अपनी पोजिशन इन दी फाइनल सेलेक्शन साथ ही कंपीट की अगर मैं बात करूं तो कंपीट इज लाइव नाव जहां पर आप ना केवल अपनी जो नॉलेज है अपना जो स्तर है उसको जान सकते हैं बल्कि ऑल्सो यू कैन विन लॉर्ड ऑफ प्राइजेस अट्रैक्टिव प्राइजेज एंड अ लैपटॉप ऑल्सो चैंपियनशिप तेरह नवंबर को होने वाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है अभी जाकर एनरोल कर लीजिए द कोड दट है दैट इज इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक द सेशन डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल And also hit the bell icon so that you get notification about our latest updates. Thank you so much. God bless.